अगर आपके WhatsApp में भी जब किसी का मैसेज आता है तो आपके WhatsApp में नोटिफिकेशन नहीं आता, आपके मोबाइल में पता नहीं चलता कि WhatsApp में कोई मैसेज आया है। जब आप अपना WhatsApp ओपन करते हैं तब आपको वहाँ पे बहुत सारे मैसेज दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो मैसेज आए हैं तब उस समय आपको कोई भी टोन या नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो इसको कैसे सही करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सिंपली आपको WhatsApp के अंदर एक सेटिंग करनी होगी, आपकी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपने WhatsApp में आपको आना है। WhatsApp में आने के बाद देखिए ऊपर तरफ आपको ये 3 डॉट दिख रहा है, आपको यहाँ पे 3 डॉट में जाना है। इसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको ये जो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है, इस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर तरफ आपको जो 3 डॉट दिख रहा है, आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है इस तरीके से। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रिसेट नोटिफिकेशन सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे कैंसिल रिसेट का एक आपको यहाँ पे रिसेट बटन पे क्लिक करना है। इससे आपका डाटा वगैरह कुछ डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी ये सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे रिसेट नोटिफिकेशन सेटिंग में क्लिक करके आपको उसको रिसेट कर देना है। और रिसेट करने के बाद यहाँ पे आपको देख लेना है ये जो रिएक्शन नोटिफिकेशन यूज हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, रिएक्शन नोटिफिकेशन यूज हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, ये आपके फ़ोन में चालू होने चाहिए। और एक ऊपर आपको कन्वर्जेशन टोन का ऑप्शन मिलेगा, ये आपके फ़ोन में चालू होना चाहिए। वैसे जब आप यहाँ से रिसेट सेटिंग पे क्लिक करके इसको आप रिसेट कर देंगे तो आपके फ़ोन में ये सारी सेटिंग अपने आप यहाँ से चालू हो जाती हैं। और इसके बाद अब आपके WhatsApp में कोई मैसेज करेगा तो आपके WhatsApp में टोन भी बजेगा, आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आएगा, पॉपअप मैसेज टाइप से शो होगा। तो इस तरीके से आप अपने WhatsApp की इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।